नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। फिराई जमुना में उफान, बाढ़ की चपेट में चपरघटा समेत कई गांव। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 18 दिनों में हुई 3 हत्याएं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मकान में बनी दुकान मालिकों की जब्त होगी जमीन। देश भर में बारिश से हुई 148 लोगों की मौत, यूपी बिहार के कई इलाकों में भरा पानी। और अब खबरें विस्तार से। बीते 10 दिनों से चल रही लगातार बारिश से हुई बाढ़ के कारण सेंगुर नदी के तटवर्ती कानपुर देहात के मूसानगर स्थित कई गांवों को राहत नहीं मिल पा रही। पिछले सप्ताह की तरह एक बार फिर यमुना का जल स्तर ऊपर चढ़ने से गांव की ओर पानी बढ़ने लगा है। पानी सड़कों पर भरता देख ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत बढ़ने लगी है। गांव के लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। यमुना का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यमुना किनारे बसे गांव के लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। यमुना का जल स्तर बीते सोमवार सुबह 8 बजे 103.75 मीटर था, वहीं शाम को बढ़कर 104.64 मीटर हो गया। बेतार घर के कर्मचारी ज्ञानचंद ने बताया कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी अचानक फिर बढ़ना शुरू हो गया है। इसके चलते आढ़न पथार मार्ग पर पानी तेजी के साथ भरने लगा है। गांव के लोगों का नाव से आवागमन हो रहा है। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से सेंगुर नदी का पानी निरंतर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। चपरघटा आड़न पथार को गई सड़क पर पानी आ जाने से रास्ता भी बंद हो गया। एक और बाढ़ग्रस्त गांवों की हालत अभी भी बद से बदतर बनी हुई है। दूसरी ओर यमुना का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ का खतरा फिर से उमड़ा है। वैसे देखा जाए तो यमुना किनारे स्थित कई गांवों में 15 दिन पहले जैसी मुसीबत आ गई है। एक के बाद एक हत्या की घटनाओं से कानपुर देहात का रसूलाबाद थर्रा गया है। घर से सूखे दूध का डिब्बा लेने निकले धर्मूपुर निवासी युवक का शव रक्त रंजित हालत में मिला। सूचना पर पहुंचे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक के सिर के पिछले हिस्से पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। रसूलाबाद थाना क्षेत्र में यह लगातार तीसरी हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक पड़ताल शुरू कर दी। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर गांव में छम्मीलाल पुत्र मनफूल सोमवार की शाम को दूध लेने के लिए तश्ती को निकला था, लेकिन तब से वह वापस घर नहीं आया। सुबह ग्रामीणों ने उसके शव को धर्मपुर मड़ैयन के निकट रक्त रंजित अवस्था में पड़ा देखा, जिससे कोहराम मच गया। यह बात आग की तरह आसपास क्षेत्र में फैल गई। सूचना पर पहुंचे कोतवाल तुलसीराम पांडे ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक को किसी अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से वार कर हत्या की। ग्रामीणों ने बताया कि छम्मीलाल स्वभाव से बहुत ही सरल और सौम्य था। उसकी गांव में सभी लोगों से अच्छे से पटती थी, लेकिन अचानक हुई उसकी मौत ने सभी को हैरत में डाल दिया। किसी अज्ञात हमलावर ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। भाई की निशानदेही पर पुलिस ने 3 युवकों को पकड़कर पूछताछ शुरू की है। वहीं मौके पर शराब की बोतल व पानी के ग्लास मिले होने से इस बात की आशंका है कि कुछ लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से युवक की निर्मम हत्या की है। मामले की जानकारी जनपद के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स को भी हुई। उन्होंने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में पिछले 1 महीने में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। महज 1 माह में ही 3 हत्याओं से रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र थर्रा गया है। क्षेत्रीय लोगों को अब डर लगने लगा है। रात्रि को लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। इससे पहले रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कुठलवा गांव में एक महिला की उसके बहू के भाई मिथुन ने गत 13 सितंबर को हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामला गैर इरादतन हत्या के रूप में लिखा गया। इसके बाद विगत 21 सितंबर को रसूलाबाद थाने में चौकीदार जिंदा निवादा निवासी वंशलाल की सोते समय निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को धर्मपुर निवासी छम्मीलाल की हत्या हो गई। मात्र 18 दिन में रसूलाबाद थाना क्षेत्र में 3 हत्याएं हुई हैं। आवासीय प्लाट पर दुकान, कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट या फिर अन्य व्यावसायिक निर्माण कराने वाले को अब अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आवास विभाग ने इन भूखंडों की रजिस्ट्री रद्द करने का फैसला लिया है।
इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अभी इस प्रकार से घर का निर्माण करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे प्रदेश में अवैध निर्माण को रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विकास प्राधिकरणों की आय में वृद्धि भी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग बड़े पैमाने पर आवासीय मकानों को तोड़कर उसमें कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनवा रहे हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में ही 25,000 से ज्यादा अवैध निर्माण हो चुके हैं। बीते 16 सितंबर को इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें इसको लेकर आवासीय प्लाट पर दुकान बनाने के खिलाफ एक कड़ा फैसला लिया था। तब जाकर उत्तर प्रदेश शासन ने 26 सितंबर को इसका आदेश जारी किया था। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव आवास के दिशा निर्देश मिल गए हैं, नियमावली बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग ये सब जानकर भी ऐसे निर्माण करेंगे उनके लिए जुर्माने की रकम तय की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक जो लोग बड़े पैमाने पर आवासीय मकानों को तोड़कर उसमें कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनवा रहे हैं उनके रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बीते 10 दिनों से चल रही लगातार बारिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्से सोमवार को बाढ़ की चपेट में रहे हैं। वहीं देश भर में वर्षा जनित हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या 148 पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पिछले सप्ताह से अब तक उत्तर प्रदेश में 111 और बिहार में तकरीबन 28 लोगों की मौत बारिश के कारण हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने मानसून की देर से वापसी और पटना में और बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पटना में पिछले 3 दिन से भारी बारिश के कारण अनेक इलाके पानी में डूबे हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 1994 के बाद इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इसे सामान्य से अधिक बताया है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने वायुसेना से पानी में डूबे स्थानों में खाने के पैकेट तथा अन्य सामग्रियां गिराने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने का आग्रह किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान पटना में अपने घर के बदले एक होटल में रुके हुए हैं। सोमवार दोपहर में 3 और लोगों के बारिश की वजह से मरने की खबर आई है। इनमें से एक व्यक्ति की मौत नवादा और 2 लोगों की मौत जहानाबाद जिले में हुई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बलिया के समूचे जिला कारागार परिसर में कमर तक पानी भर जाने के कारण कम से कम 900 कैदियों को दूसरे जिलों की जेलों में शिफ्ट किया गया है। झारखंड के दुमका जिले में बारिश के कारण दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 13 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। गुजरात में राजकोट जिले में एक कार के पानी में बह जाने से कार सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। खबरों में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।